अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मेरी जो वीडियो है वो गार्डन की शॉपिंग के हवाले से हैं, और मैंने आज बहुत अच्छे से मेरे जो विश लिस्ट में थी वही प्लांट्स जो हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं। तो अब मैरीगोल्ड से तो आप पहले ही मिल चुके हैं, इसके अलावा मैंने क्रायसैंथेमम की कुछ वैरायटी लाई हूँ मैं वो नर्सरी से। तो ये देखें, ये क्रायसैंथेमम का ड्रॉप वैरायटी है, ड्रॉप वैरायटी, और वहाँ आप देख सकते हैं वो वाला, वो देखें कितना खूबसूरत है। ये खिले हुए फूलों के साथ मैं लेकर आई हूँ, बहुत खूबसूरत है। इसके फूल की बनावट देखें कितनी प्यारी है। तो एक तो ये लेकर आई हूँ, और ये मुझे उन्होंने 200 का दे दिया है, और ये जो ड्वार्फ वैरायटी है ये 100 रुपये का दिया है, और इसके अलावा मैरीगोल्ड भी मैंने ये वाले लिए हैं, तो ये भी इन्होंने मुझे 100-100 में दे दिए हैं। तो मैंने पहले जो आप इससे शेयर किए थे उनमें फ्लावरिंग होने के बाद मैंने इसकी 3G कटिंग्स कर दी हैं, और ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आए और अच्छे से इसमें मज़ीद फ्लावरिंग आगे हम पा सकें। इसके अलावा मेरी सारे सीडलिंग्स हैं यहाँ पर नीचे, आप देख सकते हैं इन सीडलिंग्स को, बहुत से सीडलिंग्स मैंने ट्रांसप्लांट कर दी हैं, और कुछ अभी रहती हैं, और गार्डन का काम भी है वो कुछ रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरा टायर प्लांटर मैंने यहाँ रख दिया। गार्डन में जो है वो कुछ मैंने चेंजिंग की हैं विंटर के हवाले से, तो आपसे मैं वो डिटेल वीडियो बाद में शेयर करूँगी। आइए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने और इसके अलावा फ्लावर्स प्लांट्स के अलावा और मैंने कौन से प्लांट्स परचेज़ किए हैं। जी तो दोस्तों, ये मैंने प्लांट परचेज़ किए हैं, और देख सकते हैं मेरा गार्डन आज कितना मैसी सा हो रहा है, बल्कि कई दिनों से हो रहा है इस तरह, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं गार्डन को अभी समेट नहीं पा रही हूँ। गार्डन का काम भी चल रहा है और टाइम ना मिलने की वजह से ये काम समेटने को ही नहीं आ रहा, सिमट ही नहीं रहा, ये काम फैलता ही जा रहा है, क्योंकि नए नए पौधे आ रहे हैं, मिट्टी चेंज करनी है, सीडलिंग जो है वो ट्रांसप्लांट करनी है, इस वजह से गार्डन में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है और वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम करके मैं चली जाती हूँ नीचे, और फिर अपने दूसरे काम निपटाती हूँ। तो ये देखें आप, इससे देखकर तो पहचान ही गए होंगे कि ये मेरा चीकू का प्लांट है, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फ्रूट प्लांट्स को अपने गार्डन में लाऊँ। पहले भी मेरे पास फ्रूट प्लांट्स थे, और अभी मैं दोबारा से और फ्रूट प्लांट्स ले आई हूँ। तो ये चीकू का प्लांट है, और इसमें देख सकते हैं आप फ्लावरिंग भी हो रही हैं, और इसमें फ्रूटिंग भी हैं। ये देखें, ये फ्रूटिंग है, इसमें चीकू भी है बना हुआ, लेकिन चूँकि अभी मेरे गार्डन में बिल्कुल धूप कम हो जाती है सर्दियों में, तो इसी वजह से ये है कि फ्रूटिंग शायद इसमें फ्रूट में जो है छोटे छोटे फल जो हैं इसके अंदर लगे हुए वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। खैर जो भी है, इसकी हम जगह बनाएंगे, जब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर हम इसकी जगह भी बनाएंगे। और ये दूसरा प्लांट आप देख सकते हैं, ये मेरा पपीते का प्लांट है। पपीता जो है मेरा फेवरेट है, और मैं इसको बहुत टाइम से उगाना चाह रही थी, उगा भी देती थी, और कोई ना कोई वजह हो जाती थी कि वो ये प्लांट जो है वो मेरा जो है कुछ ना कुछ हो जाता था और ये ख़त्म हो जाता था। तो ये देखें, ये मैं एक ले आई हूँ, ये सारे पॉलीथीन बैग में हैं, और इन्हें अभी मुझे अच्छे से मिट्टी ट्रांसप्लांट करनी है। मैंने वर्मी कंपोस्ट जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि मैं वर्मी कंपोस्ट के साथ ही इन फ्रूट्स प्लांट को जो है मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। फिर मैंने लिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर के कुछ पनीरियाँ ली हैं। इस बार मैं टमाटर के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा नहीं मैं ले पाई, और मैंने चेरी टमाटर लगाए हैं जिनकी सीडलिंग अभी अभी स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं लीफ माइनर इसमें ऑलरेडी हैं, तो जब आप इस तरह के लीफ माइनर्स इसमें देखें तो इन पत्तों को ही आप हटा दिया करें, ताकि वो मज़ीद फैलावा ना करें और अपने प्लांट्स को ख़राब ना करें। ये दो प्लांट्स पॉलीथीन में हैं, इसके अलावा मैंने ये चार प्लांट्स लिए थे, तो मैंने बाकी के जो दो प्लांट्स थे वो मैंने ट्रांसशिफ्ट कर दी है दूसरे गमलों में, और एक पॉलीथीन के अंदर दो प्लांट थे, तो मैंने एक बड़े से जो मेरे गमले थे, बाल्टियां थी इस तरह की, उसके अंदर मैंने दो प्लांट लगा दिए हैं। तो यही थी मेरी आज की शॉपिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह फिर अपने गार्डन को सजाने के साथ, डेकोरेशन के साथ ही दोबारा शेयर करूंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।